गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइज़ आर डूइंग गुड। अभी हम जस्ट जिम से फ्री हुए हैं। टाइम हो रहा है अभी, दिख जाए यार, 9:05 है। आज इतने दिनों बाद ना जिम मार के मज़ा ही आ गया, बहुत मज़ा आया कसम से। बहुत ज़्यादा ना फ्रेश फील कर रहा हूँ इतनी सुबह सुबह उठ के, इतने दिनों बाद। सही में सुबह उठने का मज़ा ही अलग है। अब पता लग रहा है मैंने आधी ज़िंदगी रात को जग के बिता दी, अब सुबह उठ के बिताएंगे अपनी बाकी ज़िंदगी। मधुमक्खियाँ देखो कैसे रस निकाल रही हैं, ये देखो आपको, देखो कैसे दिख ही रहा होगा, देखो ये भी निकालेगी। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 5:30। हाँ 5:30। और देखो पैर को मैं सो गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया ना। अब अगर सुबह जल्दी उठूँगा तो पैर को तो यार देखो ऑटोमेटिक नींद आ ही जाती है। तो चलो दोपहर तो निकल गई, शाम ऐसे ही फीकी फीकी नहीं निकालेंगे। शाम को हमने जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में ग्रॉसरी शॉपिंग करके। माता जी हम आए मार्केट, हम आए सामान लेके, ठीक है सामान लेके आते हैं, उसको भी चिज्जी लेके आते हैं, ठीक है। वी रीच्ड मार्केट, मैंने जाना है केमिस्ट पे, भारती का है वो प्रोविजनल स्टोर पे। तो चलो केमिस्ट वाला काम ख़त्म करते हैं पहले। केमिस्ट वाला काम हो गया ख़त्म, होपफुली सक्सेस मिली आज हमें केमिस्ट वाले, उम्मीद दी थी। चलो अच्छा भगवान क्या कर रहा हूँ, कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं मेरे लिए। तो प्रोविजन वाले पे चलते हैं, वो भी निपटाते हैं, फिर सुबह शाम को चलते हैं रनिंग। अब रनिंग ब्रेक नहीं करनी है, 2 महीने हैं, 2 महीने कम से कम रोज़ रनिंग करनी है, रोज़ नहीं तो हफ्ते में 5 दिन तो करनी है। चलो मिल गया सामान। देखो सामान ले रही है, तो पापा अपनी प्रोटीन बार एंजॉय करते हैं। ये मखाने, टाटा का बेसन कब से आने लगा यार, ये तो मैंने अभी नया नया देखा। ये सामने देख रहे हो, ये यहाँ तक, ये नीचे भी है थोड़ी सी, ये सारी चाय है, बताओ कितने टाइप की चाय। डन विद शॉपिंग, घर चलते हैं, आप रनिंग करने निकलेंगे अब, बहुत दिन हो गए, दिन क्या कल ही करी थी, आज दोबारा घर चलते हैं, 2 महीने तो करनी है यार। चलो घर चलो रनिंग करने चलते हैं। रनिंग से पहले थोड़ी वो रखती कोई नई चीज़ ट्राई करने से पहले दुख 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 होती दिल में, यार कैसी होगी क्या होगी आज, वो हिसाब होता है रोज़ होता है, ये ना फील अलग से ही है। रनिंग के टाइम एक को तेरा प्यार हो बोहेमिया का गाना लग जाए, मज़ा आ जाता है, मज़ा मतलब ना जोश सा है। देख रनिंग शुरू करने लगा हूँ मैं, रनिंग हुई कंप्लीट, रनिंग ख़त्म करते लास्ट में गाना चल रहा था टेक माय ब्रेथ वीकेंड का, गाने ने सच्ची ब्रेथ ले लिया इतना तेज़ गाना, और हमारा माइंड भी ऐसा है ना अगर तेज़ गाना चलेगा ना तो ज़्यादा तेज़ रनिंग करता, नॉर्मली जितनी जान होगी उससे 1-2% ज़्यादा। हाँ 4 किलोमीटर रनिंग करी प्लस 300 मीटर, मतलब 300 मीटर की इम्प्रूवमेंट मैटर करती है। अगर आप रनिंग कर रहे हो रोज़ इम्प्रूव, वॉक कर रहे हो तो भी रोज़ इम्प्रूव करो, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी यार तो करने का फ़ायदा क्या। बात तो सारी है ना, मैंने कल 4 किलोमीटर करी थी, 4, आज मैंने 300 मीटर एक्स्ट्रा करी है कल से, मतलब ये आज मेरी इम्प्रूवमेंट हुई 300 मीटर, बल्कि 4 किलोमीटर करने में आज मेरा दम नहीं लगा, लास्ट के 300 मीटर करने में ऐसी तैसी हो गई। इम्प्रूवमेंट कितनी है ये मैटर नहीं करती, इम्प्रूवमेंट है ये मैटर करती है। अब जिनकी इम्प्रूवमेंट 100 मीटर, 150, 200 मीटर, इट्स ओके कोई बात नहीं,
करते रहो वही 150 आगे जाके 1 किलोमीटर बनेगा, 1.5 किलोमीटर बनेगा। बस करने वाले होना चाहिए, अगर सोच लिया दिमाग में करने तो करो। रनिंग तो अभी कंप्लीट, चलो घर चलते हैं, डाइट लेते हैं और एडिट करते हैं आराम से जितना भी बना ब्लॉग आज का, बाकी घर जाके भी कुछ ना कुछ होगा। और प्लीज़ यार, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ कर दो यार, 400, 410, 420 करा दो यार, आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहोगे तो हो जाएंगे, एक बारी में हो जाएंगे, प्लीज़ करा दो यार। और भाई दीपा जी कैसे हो? मेरा नाम लवली है। टैनिंग उड़वाई है, टैनिंग मैं कह रहा हूँ, अगर टैनिंग पाजी उड़वाते रहे ना रेगुलरली, पंप भी नहीं। शाहरुख खान फेल। उसको सच बोल रही हूँ मैं, नसमिस खिंचगी, बाद में अटैक पड़ गया उनको, देखा तो ना कि बचपन में कोई वेट लिफ्टिंग करी होगी, उसमें ज्यादा वेट उठा लिया, उससे नस खिंचगी से प्रॉब्लम आ गई। ये सारी डिस्कशन तो हो रही है क्योंकि अभी अभी न्यूज आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस का विनर था, उसको फिट एंड फाइन, हाँ सही बात है, फिट एंड फाइन में हार्ट अटैक आया और वो मर गया, सोता ही रह गया। बताओ, रात 10 बजे जॉगिंग करी, सब कुछ करा, बहुत देखते थे बिग बॉस, इनका फेवरेट था वो। चलो अब तो चला गया, क्या कर सकते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, यही बोल सकते हैं। अब तो बंदा चला गया, क्या ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है ना, वो बोलने वापस आएगा। कोई है भी है शेरू? फर्स्ट का आप ही हो शेरू।